लगभग 8 लाख के गहने चोरी। सूचना पाकर देर शाम पहुंची फॉरेंसिक टीम जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जियनपुर स्थित बैल बाजार के पास। मकान में शिक्षक के घर से लगभग 8 लाख के गहने चोरी। सूचना पाकर जियनपुर कोतवाली के पुलिस और देर शाम को फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासुपार बनकट गांव निवासी लुकमान अहमद खान पुत्र सुल्तान खान जियनपुर स्थित बैल बाजार में मकान बनवा कर रहते हैं। लुकमान अहमद खान और उनकी पत्नी दोनों अध्यापक लोग अध्यापक है। गुरुवार को सुबह 9:30 बजे दोनों पति पत्नी शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय चले गए। शाम को 4 बजे विद्यालय से घर वापस आए, गेट का ताला खोलकर अंदर गए तो देखा कि मकान के बगल का दरवाजा खुला है। अंदर गए तो देखा कमरे में रखी अलमारी खुली है, अंदर रखा सामान बाहर बिखरा था। अलमारी के अंदर रखा पत्नी के गहने का डिब्बा खाली बेड पर रखा है, जेवरात गायब है। लगभग 8 लाख रुपए का गहना गायब है। लुकमान अहमद खान मास्टर ने जियनपुर कोतवाली में लिखित सूचना दी है। सूचना पाकर जियनपुर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। देर शाम फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटा रही है। कल दिनांक 14 नवंबर 2024 को समय लगभग शाम को 4 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना जियनपुर स्थित बेल बाजार के पास में एक शिक्षक दंपति के घर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी की गई तो प्राप्त हुआ कि पीछे के गेट से कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर अलमारी तोड़कर कुछ आभूषणों की चोरी कर ली गई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को फिंगरप्रिंट ब्यूरो को डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पूरी जांच पड़ताल की गई। इसमें मुकदमा शिक्षक दंपति की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वह सुबह 10 बजे अपने स्कूल गए थे और जब वापस आए 4 बजे तो उनके घर में ताला टूटा हुआ था और कुछ सामान की चोरी हुई है। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और सर्विलांस टीम की माध्यम से भी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इसमें बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी इसके पीछे होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।